गाइस ऐसे काइट तो उड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल गाइस 15 अगस्त आने वाला है तो हम इसके मौके पर कुछ खास काइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस ये तिरंगा, हमारा अपना तिरंगा, और इस तिरंगे का आज हम काइट बनाने वाले हैं। गाइस इस काइट में 3 कलर होगा, पहले ऊपर केसरिया कलर और बीच में सफ़ेद कलर और सबसे नीचे हरा कलर होगा, और बीच में गाइस अशोक चक्र भी होने वाला है। तो उस काइट का लेवल अलग ही लेवल होगा गाइस, जब वो काइट उड़ेगा तो उसके टक्कर में कोई भी काइट नहीं होगा। गाइस क्या सीन होगा जब हमारा तिरंगे का काइट आसमान में ऊंचाइयों में उड़ेगा। गाइस आप हमारे चैनल पर नए लग रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आप लोग तो जानते ही हैं कि ये तिरंगा हमारी शान है और इसे हमेशा ऊंचाइयों में ही लहराया जाता है। गाइस हम चाहते हैं इस झंडे को ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक फहरा सकते हैं, लगभग लगभग 20-30 या 50, ज्यादा मान लेते हैं गाइस 50 फीट तक इसको फहरा सकते हैं ऊंचाई तक, और ज्यादा ऊंचाई तक फहराएंगे तो उतना लंबा खंभा भी तो चाहिए गाइस। इसलिए गाइस हम इस झंडे का काइट बना रहे हैं ताकि हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में ज्यादा ऊंचा तक उड़ा सके, क्योंकि काइट तो आसानी से 200-300 फीट उड़ ही जाता है। तो इसकी काइट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये डंडा जो लगा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा इसमें से। ये तो पाइप है गाइस, इसको साइड में रखते हैं, ये काम आ जाएगा बाद में। और यहाँ पर जो धागा से इसका सिलाई किया हुआ था वो भी हमने निकाल दिया है। अब देखिए गाइस इतना लंबा हमारा तिरंगा हो गया। गाइस ये तिरंगा छोटा है तो हमारा काइट भी छोटा ही बनेगा, एकदम प्यारा लगेगा गाइस। तो इसको मोड़ते हैं काइट के आकार का, बाकी कहीं से हम काट लेते हैं। गाइस इतना बड़ा हमारा काइट बनेगा, ये देखिए गाइस एकदम मस्त लगेगा, ऐसे रहेगा। गाइस इस लकड़ी को सबसे पहले नाप लेंगे कितना बड़ा इसमें लकड़ी लगाना है। गाइस स्टेप से हम चिपकाते हैं इसमें लकड़ी को, पहले एक छोर को यहाँ पर चिपका देंगे इसके, अब इसके दूसरे छोर को ऐसे बीचों बीच से मोड़ के तब यहाँ पर चिपकाएंगे। ये क्या गाइस, ये तो लकड़ी टेढ़ हो जा रहा है यहाँ से, यहाँ पर जब हम चिपका देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके भाई उपाय है गाइस, यहाँ पर इस लकड़ी को यहाँ से ऐसे मोड़ मोड़ के मुराव बनाएंगे पहले, तब ये आसानी से मुड़ेगा। गाइस इस लकड़ी को चिपकाने के बाद अब बीच वाला जो लकड़ी है इसको बीच में लगा देंगे यहाँ से। तो अब इसमें धागा बांधते हैं। गाइस अब इस काइट में हम इस धागे को लगाते हैं। गाइस ये काइट तो बन गया है लेकिन अभी भी इसमें एक तो कमी है, यहां पर इसमें पूंछ लगाना होगा तब ये काइट अच्छा लुक होगा इसका काइट का। यहां पर इतना टुकड़ा है गाइस तिरंगे का, इसी में से गाइस हम यहां पर ये इसका पूंछ बना देते हैं। गाइस तो ये हमारा प्यारा सा तिरंगे वाला काइट बन के रेडी हो गया है। और गाइस ये देखिए कितना छोटा काइट है, लेकिन गाइस ये छोटा काइट नहीं है हमारे लिए, तो ये बड़ा काइट है क्योंकि इसमें तिरंगा लगा है, और हम सभी जानते हैं कि तिरंगा हमारे लिए कितना बड़ा कितना मायने रखता है, इसके कंपेयर का कोई भी काइट नहीं है। तो चलिए अब इस काइट को उड़ाते हैं, छत पे चलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा प्यारा काइट जो कि हमने तिरंगे से बनाया है, और एकाएक ऊपर का मौसम देख सकते हैं गाइस, हमने अभी छत पर आ गया है, वहाँ पर देखिए कितना हवा तेज बढ़ रहा है गाइस, एकदम पूरा आंधी तूफान, ऊपर काला बादल है पूरा छाया हुआ आसमान में, दिखाओ पूरा घनाघोर बादल है, हल्का हल्का धूप हो रहा है और फिर से छाँव हो जा रहा है, और कभी भी गाइस बरसात आ सकता है तो ये काइट गीला हो सकता है। इसको हम गाइस उड़ाते हैं, उड़ा के आपको दिखाते हैं। इतना छोटा गाइस मुझे लग नहीं रहा है कि ये उड़ पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं गाइस। लेकिन अभी धूप आ गया, फिर से थोड़ा देर में छाँव आ जाएगा। ये रहा हमारा काइट, ये गया गाइस। देखिए हमारा काइट किस तरह से उड़ रहा है, अब ये हम देखें कहाँ पर खड़ा है गाइस ऊपर, और हवा देखिए गाइस कितना तेज है, हम ये छत पकड़े हुए नहीं तो गिर जाएंगे यहाँ से, नीचे उतरते हैं अब। गाइस तो आपने देखा किस तरह से अपना काइट उड़ रहा था,
काफी मजेदार था गाइस। गाइस 15 अगस्त के मौके पर आप भी ऐसा काइट अपने घर पर बना सकते हैं और उड़ा सकते हैं। गाइस ये काइट अभी और ऊपर उड़ता है जब ये काइट थोड़ा बड़ा रहता, तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि हम इससे भी बड़ा काइट बना सकते हैं, वो भी तिरंगे का। हम इससे बड़ा काइट भी बनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।